सादर जय संघ शक्ति साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल भमसा नॉलेज में। इस चैनल में आपको महापुरुषों, क्रांतिकारियों और महान हस्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। आज हम बात करेंगे श्री क्षत्रिय योग संघ के पंचम संघ प्रमुख और वर्तमान संघ प्रमुख माननीय लक्ष्मण सिंह जी बेड़िया का वास के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी का जन्म 5 फरवरी 1968 में जयपुर के निकट स्थित गांव बेड़ियाकाबास में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री दीप सिंह बेड़ियाकाबास है एवं माताजी का नाम श्रीमती किरण कंवर है। आपका प्रारंभिक अध्ययन गांव के विद्यालय से प्रारंभ हुआ और तदंतर तीसरी कक्षा से जयपुर में पढ़ना प्रारंभ किया। 1990 में आपने जयपुर के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक उत्तीर्ण किया। संघ से आपका संपर्क बचपन से ही था। आपके पिता श्री दीप सिंह बेड़ियाकाबास संघ के निष्ठावान वरिष्ठ स्वयं सेवकों में से एक है। वे पूज्य तन सिंह जी, पूज्य नारायण सिंह जी व माननीय भगवान सिंह जी के सदैव निकट संपर्क में रहे और उस संपर्क का लाभ आपको भी हुआ। आप 1980 में जयपुर में अध्ययनरत रहते हुए पहली बार संघ की शाखा में आए और उसी वर्ष बीकानेर जिले की कोलाय तहसील के गोविंदसर गांव में आयोजित 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। तदंतर आपका नियमित रूप से संघ की शाखा व शिविरों में आना निरंतर जारी है। आपने जून 2020 तक संघ के कुल 135 शिविर कर लिए हैं। 1993 में आपका भी विवाह आपके पिताजी की तरह ही संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक स्वर्गीय रिचपाल सिंह जी सिंघाणा की पुत्री यशवीर कंवर से हुआ। संघ के शिविरों और शाखाओं के अलावा आपको माननीय महावीर सिंह जी सरोड़ी के निकट सानिध्य में रहने का अवसर मिला और उस अवसर का लाभ उठाते हुए आपने अपने भीतर के स्वयं सेवकत्व के लिए पोषण प्राप्त किया। इसी दौरान आपको संघ शक्ति के संपादन में सहयोग करने का भी अवसर मिला और सह संपादक बने। कालांतर में 2002 से आप संघ शक्ति के संपादक का दायित्व निभा रहे हैं। 1997 में संघ का एक पाक्षिक समाचार पत्र पथ प्रेरक प्रारंभ हुआ जिसका आप प्रारंभ से ही संपादन कर रहे हैं। 1993 में माननीय भगवान सिंह जी के सड़क दुर्घटना में घायल होने पर आप उनके निकट सेवा में रहे और उस सानिध्य ने भी आपके भीतर के संघ को उपयुक्त पोषण प्रदान किया। माननीय भगवान सिंह जी की प्रेरणा से ही आपने 1994 में श्री भगवती परिधान के नाम से जयपुर में कपड़े का व्यापार शुरू किया। 1995 में जयपुर में संघ के केंद्रीय कार्यालय बाबत संघ शक्ति भवन बनकर तैयार हुआ। कार्यालय के प्रारंभ से ही आपने प्रतिदिन 4 घंटे केंद्रीय कार्यालय में बैठकर संघ कार्य करना प्रारंभ किया जो निरंतर जारी है। शाखाओं में शिक्षण के अलावा अनेक शिविरों में शिक्षण में सहायक बनने के बाद आपने पहली बार 2002 में अलवर जिले के नंगला जादू गांव में आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में स्वतंत्र रूप से संचालन का दायित्व निभाया। तदंतर लगातार शिविरों के शिक्षक के रूप में आप क्रियाशील हैं। विगत 5 वर्षों से आप संघ के सबसे बड़े शिविर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में मुख्य शिक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। संघ के सहयोगी के रूप में आप पहली बार 1995 में जयपुर शहर के मंडल प्रमुख बनाए गए। तदंतर विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए 2015 में आपको मुख्य कार्यकारी बनाकर संचालन प्रमुख माननीय महावीर सिंह जी के मार्गदर्शन में संघ की युवा टीम का नेतृत्व सौंपा गया। 2016 में आप पुनः मुख्य कार्यकारी बनाए गए और 2017 में आपको संचालन प्रमुख का दायित्व देकर संघ के नित्य प्रति के समस्त प्रकार के कार्यों का प्रभारी बना दिया गया। इस बीच मौन साधक के रूप में विनयपूर्वक सहज भाव से आप तात्कालिक नेतृत्व द्वारा आपको उपलब्ध करवाए गए सहयोगियों का नेतृत्व करते रहे और फिर 4 जुलाई 2021 को माननीय भगवान सिंह जी रोल साहब सर द्वारा आपको संघ प्रमुख का गुरुतर दायित्व सौंपा गया जिसका निर्वहन आप उसी सहज भाव से गतिशील होकर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। जय संघ शक्ति।